दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं, जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है, तब से लगातार वहां से रहस्यमयी खुलासे कर रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूं और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताजा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? चंद्रयान 3 को चांद के नजदीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नजदीक पहुंच गया है। यह सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं जीके दृष्टि यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की ओढ़ अभी से शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था, उस समय भी रशिया से अमेरिका की होड़ लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे, उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताजा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे नजदीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर है। मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख तक तो यह इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त के दिन में दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की जमीन पर सही सलामत उतरना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो हुक लगे होते हैं, उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे के इस हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछले वाला बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान 3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहां से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिस गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान 3 ने बता दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचते हैं। इन्हीं डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं। जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर किए। फोटो के अलावा चंद्रयान ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है।
आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा वह उस समय होगा जब चंद्रयान चांद से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहां इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं बहुत ही ज्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की जमीन पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतरना है और वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये और दो दिशाओं में भी लेजर भेजेगा ताकि पता चल सके आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, LBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल अभी तेजी से चांद के नजदीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत ही कम बची है। ये चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हुआ था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4,000 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑन ऑर्बिटर पहुंचेगा और उसमें चांद और इसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, साथ ही मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है क्योंकि उस दिन चंद्रयान के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतजार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद के स्तर पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराते रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।